मैंने सीओ साहब से बोला है कि हम इसको कैसे कदम लेंगे, क्योंकि ये दिखाता है कि हमारे बच्चे जो है बहुत अच्छा हर जगह पे परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत बच्चों को हमने अभी बायजूस के भी जो टैब्स दिए हैं, जिन्होंने टेंथ में बहुत अच्छे मार्क्स लिए और अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई, उनको हम बायजूस के भी टैब्स हमने दिए ताकि वो और ज़्यादा मेहनत कर सकें और उनकी कोचिंग 2 साल तक चलती रहेगी। हर दिन 2 घंटे की कोचिंग ये रहेगी ऑनलाइन। तो इस तरह से हम वी आर मैरिंग अप आर IT एज वेल एज कन्वेंशनल जो हम पढ़ाते हैं एजुकेशनल सिस्टम को। तो इवन हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, अगर आप वो भी देखें तो उसमें IT टेक्नोलॉजी का यूज़ करना एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट माना जाता है, बिकॉज हर जगह हर तरह का टीचर, हर सब्जेक्ट का टीचर पहुंचना और उसकी उस लेवल की क्वालिफिकेशन होना मुश्किल है। इसलिए हमें IT का जो है ये यूज़ करना है, इसी को हम आगे बढ़ाते हुए हमने बायजूस के साथ एज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हम उनके साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं और हम इन बच्चों को, सेलेक्टेड बच्चों को हमने ये टैब्स भी दिए हैं। इसी के साथ साथ हम जितना भी आज चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने बोला कि हम जितना भी हमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में अवार्ड मनी आता है, हम उसका बेस्ट यूज़ करने की कोशिश करते हैं ताकि और ज़्यादा जो है हमारे लर्निंग आउटकम्स इम्प्रूव हों। हमारे IT के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हम बनाना चाहते हैं, वो मैं चाहती हूँ कि वो मैं जल्द से जल्द उसको इनॉग्रेट करूँ ताकि हमारी टीचर्स की लगातार ट्रेनिंग भी होती रहे। आपके जो डाइट है एक है वो इनसफिशिएंट है, मल्टीपल डाइट्स हमने प्रपोज किए हैं ताकि टीचर्स की भी रेगुलरली ट्रेनिंग होती रहे। देखिए, नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमें मतलब नॉलेज प्रूफ नहीं होना चाहिए। इवन टीचर्स को ये पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि जो आपने पढ़ा था अपने ज़माने में वही चीज़ सही है। टेक्नोलॉजी दिन ब दिन बदल रही है, इनोवेशंस हो रही हैं, जो हमारी डिस्कवरीज हैं वो हो रही हैं, इसलिए आपको अप टू डेट रहना बहुत ज़रूरी है। उसी के लिए हम जो है वो रीजनल लेवल पे, जोनल लेवल पे भी डायट्स जो हैं वो एस्टैब्लिश कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो आपकी डिजिटल स्टूडियो है वो भी एक मेरा मतलब इट्स अ ड्रीम प्रोजेक्ट डिजिटल स्टूडियोज़ का। वो कब तक हो जाएगा वो मैं चाहती हूँ चीफ एजुकेशन ऑफिसर इसी महीने जो है अक्टूबर में हम उसको भी इनॉग्रेट करें। उस पर भी हमने अवार्ड मनी दिया है आप लोगों को। और इसके साथ साथ जो हमारी स्टूडेंट्स की लर्निंग आउटकम्स के लिए है, तो मैं हमारे जो पार्टनर्स हैं पीरामल फाउंडेशन से, तो उनको हमने 2 ही टास्क दिए। एक तो हमारे बच्चों की हेल्थ लेटे हुए हैं, इट इज़ नॉट बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड, इट इज़ बिकॉज दे आर हैविंग सर्टन मेडिकल कंडीशंस जिनको हम इग्नोर करते हैं और हम बोलते हैं कि बच्चे जो हैं वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे, वो पढ़ना नहीं चाहते, लटर मस्ते हैं, दे आर मोर दे डोंट वांट टू स्टडी। बट द बेसिक पर्पस जो है आज जो हम करना चाहते हैं बारामूला में, वी वॉन्ट टू आइडेंटिफाई सच पीपल, सच गर्ल्स, सच बॉयज़ जिनको अनिमिया है, जिनको और किसी तरह की वीकनेसेस हैं, और उनको हम अनिमिया मुक्त जो है करना चाहते हैं। उसके लिए हमने एक पूरा रोड मैप बनाया हुआ है और उनको भी हम समझा रहे हैं कि किस तरह से डाइटरी हैबिट्स भी इम्प्रूव करके वो अपना अनिमिया लेवल्स नॉर्मल ला सकते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो हम पीएमएल के साथ कर रहे हैं, इट इज़ अबाउट द लर्निंग आउटकम्स। उसमें भी हमने जोन्स डिवाइड किए हुए हैं और जो हमारे वर्स्ट परफॉर्मिंग जोन्स हैं हम उन पर ज़्यादा फोकस करेंगे, जिसमें हम बच्चों को एक नई टेक्नोलॉजी मतलब एक नया तरीका, जो हमारे कॉलेज गोइंग बच्चे हैं जिन्होंने ऑलरेडी कॉलेज या डिग्रीज कर ली है या अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हम वॉलंटियर्स उधर से भी ले रहे हैं ताकि एक्स्ट्रा क्लासेस जो हैं आफ्टर स्कूल आवर्स भी एक एक घंटे की एक्स्ट्रा क्लास वो उन बच्चों को स्पेसिफिक जोन्स में दे सकें और उनके लर्निंग आउटकम जो है मैथ्स में, साइंस में और ऐसे सब्जेक्ट्स में जिसमें हमने देखा ट्रेडिशनली मार्क्स कम आ रहे हैं हमारे बच्चों के, तो उनको हम इम्प्रूव कर सकें। ये भी हम कर रहे हैं, तो आई वुड लाइक टू टेक देयर रिपोर्ट ऑल्सो कि उन्होंने कितना किया पिछले 1-2 महीने में। वी हैव बीन वर्किंग ऑन दिस। जो हमारी इस साल का जो हमारे मैं समझती हूँ अचीवमेंट है कि हमने इतने किंडर गार्डन जिसमें सीओ साहब भी बता रहे थे कि 18 जो हैं वो 2020 से तो किए ही थे, लेकिन इस साल हमारे और 36 जो हैं स्मार्ट स्कूल्स और 18 किंडर गार्डन हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जिसमें मैं समझती हूँ कि जब तक हमारे जो प्राइमरी लेवल जो बुनियाद बनती बच्चे की, चाहे वो हेल्थ वाइज हो, एजुकेशन वाइज हो, वो प्री प्राइमरी और प्राइमरी लेवल पे बनती, तो उस पर हमारा फोकस रहेगा। और इसके साथ साथ जो हमारा टीचर इन्फॉर्मेटिक सेंटर है उस पर भी हमारा फोकस रहेगा। इसके साथ साथ जो हम गर्ल्स के लिए स्पेशली टॉयलेट्स और गर्ल्स का रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है उसको हम एक प्रायोरिटी बना रहे हैं। पिंक सोसाइटीज आई बिलीव कि सब स्कूलों में बन गई है। आपके स्कूल में बन गई है पिंक सोसाइटी? बनी है आपके स्कूल में?
हर स्कूल में बनाए। टोपिंग सोसाइटी का हमारा मेन मकसद यही है कि हम बच्चों को बताएं कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो कितनी इम्पोर्टेंट है, आपने कितना ध्यान अपनी मेंस्ट्रुअल हेल्थ पे देना है। ऑलमोस्ट 1500 आई एम गिवन टू अंडरस्टैंड 1500 टीचर्स जो है उनकी ट्रेनिंग की जाएगी। तो ये बहुत अच्छा और यूनिक प्रोग्राम है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। इसमें मैं सब टीचर्स जो यहाँ बैठे भी हुए हैं जो डिफरेंट जोन से आए हैं और आगे भी आगे वाले दो दिन और जो आएंगे उन सबको मैं कहना चाहूँगी कि इस ट्रेनिंग को बहुत ही सीरियसली लें, बिकॉज जब तक आप अपनी नॉलेज को और अपनी स्किल्स को बार बार रिफ्रेश नहीं करेंगे तब तक आप बच्चों को बेटर परफॉर्मेंस के लिए रागिब नहीं कर पाएंगे। तो इससे पता चलता है कि जो हमारे टीचर्स की ट्रेनिंग है और जो टीचर्स की नॉलेज है और स्किल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम बहुत ज़्यादा बारामूला में, आई एम स्पेसिफिकली कंसर्न अबाउट आर बारामूला चिल्ड्रन, हम बारामूला में चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं उन तक बेस्ट इंफॉर्मेशन पहुँचे, बेस्ट नॉलेज पहुँचे। हम गवर्नमेंट स्कूल ही नहीं बल्कि हम प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स के साथ भी ये ट्रेनिंग करवाना चाहेंगे, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी ऑब्वियसली गवर्नमेंट स्कूल्स की रहेगी। और हम चाहेंगे कि आप सारे जितने भी टीचर्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करें बहुत सीरियसली इसको लें। और जो हम नई टेक्निक्स आपको बता रहे हैं, मैंने अभी पढ़ रही थी कि क्या क्या टेक्निक्स आपको बताई जाएंगी, तो उनको क्योंकि ये आपके लिए नई होंगी इनको प्रॉपरली आप समझें और इन पे जो है अमल करने की ज़रूरत है। जो आप नॉलेज यहाँ से ले रहे हैं बाद में जब आप स्कूल्स में जाते हैं तो टीचर्स जो है हमारे पिवटल होते हैं किसी भी कंट्री के लिए, एक पिवटल ऑर्गेनाइजेशन स्कूल ही है।